फिर तो लिटार हो गए इसमें चार दिन आते आइए सर आइए आ रहे कौन कौन सी क्लास है सिक्स टू टेंथ है सर ये कौन सी क्लास है ये टेंथ है ये लाइब्रेरी है हाँ जी कोई मैगजीन भी आती हैं सर न्यूज़पेपर आते हैं हाँ दो दो टाइम के सर ये भी सिर्फ स्टाफ पढ़ते हैं बच्चे नहीं पढ़ते ये सब वैसे तेरे साफ करने वाले ने उनको कुर्सी पे जैसा आ जाते हैं मैं शनिवार को गांव गया था लैब असिस्टेंट के पास से जब पूछा गया कि अलग अलग अलमारी में चाबी कहाँ है तो उन्होंने बताया कि चाबी नहीं आप लाइब्रेरियन हैं लाइब्रेरी ये मैडम ये है क्लर्क की अलमारी यहाँ पे ये बिल बना मैडम आप आइए आप चलते यहाँ से आपके पास में ये सब डिटेल आती होगी ना कि आपके यहाँ कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई है टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म का पैसा कितने बच्चों को आपने दिया है वो दो वो रिपोर्ट क्लास वाइज है कैसे क्लास वाइज इधर इनका नहीं गया तीन बच्चों का जिनका नहीं आ रहे उनका नहीं गया उनका लॉन्ग एब्सेंस का है सर ये जनरल बच्चों को टेक्स्ट बुक बच्चों का नहीं गया नहीं गया साल में एक ही बार देते हैं जी इकट्ठा ही जाता है स्कॉलरशिप रिंको पानी पानी की चला अरे चला नहीं आप ये कह रहे हो कि बच्चों के पानी की व्यवस्था है कौन पीता है इसको बच्चे पी सकते हैं इसको है नहीं पानी इसमें सड़क मार बाहर जाएंगे बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से गड़बड़ हो गया किसकी जिम्मेदारी है इसको साथ आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है कहाँ पढ़ता है आप चाहोगे क्या आपका बच्चा दूसरों के बच्चों को क्यों पिला रहे हो भीड़ बकरियों के बच्चे नहीं किसानों के आपको तनख्वाह मिल रही है फ्री में काम कर रहे हो जिस काम के लिए आपको तनख्वाह मिल रही है जो लोग आप घर चला रहे हैं उनके बच्चों को ऐसा पानी पिलवाओगे आप और आपके बच्चे को शानदार पानी मिलेगा समझ में आ रही है आप क्या कर रहे हो वो हमारे उस मनीष बस खाना दे जाते हैं कितने बच्चों का दे गए कितने बच्चों को खिलाया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आज किसने खिलाया मैडम आई मैडम आपसे प्लान के लिए कुछ गौर होगा ना कितने बच्चों को खाना खिलाया आज कितने बच्चों को खाना खिलाया मुझे देखना है आपके यहाँ तो कैसे पता चलेगा पानी नहीं है बच्चे पानी पी रहे हैं पानी अवेलेबल नहीं है बच्चों ने बताया कि पानी सर हो जाते हैं वहाँ यहाँ पानी नहीं है पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है मैंने बच्चों से पूछा उन्होंने कहा कि टैंक क्या चलाता है टुल्लू पंप समर सेवल चला देते हैं लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम चलेगा बच्चे बच्चे कहते हैं कि हम समर सेवल चलाने के लिए कहते हैं तो हम डांटते हैं और मारते हैं ये बच्चों का सुन लेकिन ये सब प्लीज कौन बता लेंगे एक स्पीकर की रहते हुए उनका नाम हटवान है और एक लैब असिस्टेंट है वो पहले से पियॉन थे तो उनका डेजिग्नेशन उसके सारे रिलेशन स्टाफ इस वजह से अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके लैब असिस्टेंट के लिए आप लैब असिस्टेंट तो है ना हमारे स्कूल किस चीज़ के लिए सर साइंस के लिए साइंस के लिए है नहीं लैब असिस्टेंट है लैब असिस्टेंट है लैब असिस्टेंट क्या करते हैं क्या नाम है लैब असिस्टेंट आशीष मजाक है स्कूल के नाम जैसे सुबह से क्या क्या काम किया आपने अच्छा ठीक और कब से पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप लेते हो टीचर से लेते चार साल हो गए छठी का अच्छा अच्छा तो पहले आलोक भारती स्कूल में पढ़ते थे क्या टीचर्स अटेंडेंस नहीं लेते हैं आप लेते हो हाँ जी फिर आप क्या करते हो
अच्छा, आप टीचर से लेके आते हो या बच्चों के अटेंडेंस डायरेक्ट लेते हो, वो बताओ सर। डायरेक्ट बच्चों के अटेंडेंस आप भी लोगे, क्लास टीचर भी लोगे, दो दो लोग ले लीजिएगा। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। मोहम्मद जैद अहमद पिछले 4 साल से हैप्पी मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, उनके भी फोन पे पिताजी ने बताया। इसमें नहीं पढ़ते, इसमें फर्जी नाम लिखा हुआ। इसका फायदा क्या है आप लोगों को? छठी क्लास में यानी कि पिछले साल आपके पास कोई बच्चा नहीं था? चार बच्चे यहाँ आते थे, अब सेवन में अभी इसको घूमने का फायदा क्या है? जैसे 104 बच्चे आप दिखा रहे हो जी, पिछले साल कितने थे? पिछले साल 108 थे, जिसमें ये एब्सेंटीज भी लगा रहा है। जी तो अभी किसको बोल रहे थे आपकी जल्दी आ जाओ? अभी तो आप बाहर बोल रहे थे जल्दी आ जाओ, उन्हीं को बोल रहे थे? नहीं, मैं बात कर रहा था। अब मेरे सामने आप बोल रहे थे जल्दी आ जाओ, बुला रहे हैं जल्दी के लिए। तुम बात करो, उनकी गाड़ी पर यहाँ पे खड़ी रहती है, वो चाहे स्कूल में हो या नहीं हो। कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी नगर में। उनकी गाड़ी है, उसका फोटो लगा देने और प्रिंसिपल साहब का स्टेटमेंट लिख लो कि प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि ये गाड़ी हमेशा यहीं खड़ी रहती है, जबकि वो कहाँ रहती है? लक्ष्मी नगर में। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, सरकार से पैसा लेके मजाक कर लो सारे के सारे, छोड़ना नहीं है।